हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता कॉमर्स साइट। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कॉस्ट क्या होती है, व्हाट इज कॉस्ट एंड व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्टिंग, और कॉस्ट जिसे वो सारे खर्चे जब हम किसी भी गुड्स को, किसी भी रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में बदलते हैं, तो जितनी भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वैल्यूज अब होती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। और वो सारी मॉनिटरी पेमेंट्स जो हम जितने भी खर्चे हैं एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या कोई सर्विसेज को रेंडर करने के लिए, उन सब खर्चों को हम कहते हैं कॉस्ट। आज हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ कॉस्ट को असर्टेनमेंट करना ही आपका कॉस्ट कंट्रोल का पर्पस हल नहीं करेगा। मैनेजमेंट इज आल्सो इंटरेस्टेड टू नो ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट सो दैट वी कैन नो द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड अकॉर्डिंगली वी कैन कंट्रोल द कॉस्ट। तो आज हम देखेंगे जो मेन टॉपिक आज की वीडियो का है वो है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से समझेंगे कॉस्ट शीट, ताकि आपको जो कॉस्ट शीट है वो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग की, ताकि कॉस्ट अकाउंटिंग से, कॉस्ट शीट से हमें पता चल सके कि टोटल आपका खर्चा कितना आया है, और कॉस्ट शीट की बेसिस के ऊपर ही हम जो सेलिंग प्राइसेस है वो भी फिक्स कर सकते हैं। तो हम देखेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। उसमें सबसे पहले है मटेरियल। मटेरियल के दो भाग है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। अब ये डायरेक्ट मटेरियल व्हिच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली इन ए प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट में जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो मटेरियल लगा हुआ, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल टेबल लीजिए, टेबल में जो वुड है दैट कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। इसी प्रकार से आप अगर ड्रेस में देखें तो क्लॉथ जो है आपका डायरेक्ट मटेरियल होगा अगर आप कोई ड्रेस बना रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप कपड़ा बुनने की मशीन है, कपड़ा अगर आपका हो रहा है, क्लॉथ की अगर मिल है तो वहां पर क्लॉथ की मिल है, अगर आपकी फैक्ट्री है क्लॉथ की तो उसमें जो कॉटन है दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल। इसी प्रकार से शुगर इंडस्ट्री में भी जो शुगर केन है दैट इज डायरेक्ट मटेरियल विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। अब ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल इज दोज मटेरियल विच कैन नॉट बी इजिली आइडेंटिफाइड। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल का ही हम लेते हैं, टेबल में जो नेल लगे हैं छोटे छोटे, उसको आप इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और उसकी इतनी कॉस्ट की भी वैल्यू नहीं होती है। तो जिस मटेरियल्स की कॉस्ट की इतनी वैल्यू नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, आप कह सकते वेरी लो कॉस्ट है, उन सबको हम कहेंगे इनडायरेक्ट। जैसे जो कि स्टोर आपने यूज किया है, द मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी बिल्डिंग, जैसे लुब्रिकेंट्स हैं, कॉटन वेस्ट है, ब्रिक्स है, सीमेंट है, और जो स्टोर यूज किया गया है बाय द सर्विस डिपार्टमेंट नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स में, जैसे पावर हाउस, बॉयलर हाउस एंड कैंटीन एक्सेट्रा में, तो मटेरियल्स जिनकी कॉस्ट बहुत ही कम है और किसी भी प्रोडक्ट बनाते वक्त उन मटेरियल्स को हम इनडायरेक्ट मटेरियल में डालते हैं। अब आते हैं आपका डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर विच कैन बी अगेन इजीली आइडेंटिफाइड। फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर अगर टेबल बना रहा है तो कारपेंटर आ जाएगा डायरेक्ट लेबर में, और जो डायरेक्ट लेबर के एग्जाम्पल है वो सारे लेबर विच आर एक्सटेंडेड इन ऑल्टरिंग द कंस्ट्रक्शन कंपोजिशन और कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट। हम सिंपल फॉर्म में ये कह सकते हैं कि ऐसा लेबर विच कैन बी ईजिली रिकॉग्नाइजेबल। अभी मैंने आपको बताया था टेबल के बनाते वक्त लेबर कैन बी ईजिली रिकॉग्नाइजेबल, ईजिली आइडेंटिफाइबल, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लेबर। इसका और भी आप बता सकते हैं, जैसे डायरेक्ट जो है, जैसे वो लेबर भी जो इंगेज है इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जैसे सुपरविजन है, मेंटेनेंस कर रहा है, टूल्स की सेटिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल हो रहे हैं, तो ये भी सारा डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। इसके अलावा इंस्पेक्टर्स हो सकते हैं जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, दे विल आल्सो बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर जो है वो विच कैन बी ईजली कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड और एट्रीब्यूटेबल, या आप इजिली उसको पहचान सकते हो कि इस प्रोडक्ट में ये लेबर लगा था। अब आ जाता है आपका इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर विच कैन नॉट बी इजिली आइडेंटिफाइड, जैसे आप कह सकते हो
के वेजेस हैं विच कैन नॉट बी एलोकेटेड बट विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज नोन एज इनडायरेक्ट लेबर। जैसे वेजेस जो आप पे कर रहे हो लेबर को वेजेस पे कर रहे हो, दिहाड़ी में पे कर रहे हो, आप चार्ज हैंड्स हैं, सुपरवाइजर हैं, मेंटेनेंस वर्कर्स हैं, डिपार्टमेंटल पुलिस हैं, मैन जो कि इन्वॉल्व किया गया है सर्विस डिपार्टमेंट में, मटेरियल हैंडलिंग में, इंटरनल ट्रांसपोर्ट में, जो अप्रेंटिस हैं, जो ट्रेनीज हैं, उनको जो आप वेजेस दे रहे हो दैट कम्स अंडर लेबर। तो इट कैन नॉट बी इजिली आइडेंटिफाई। मैंने बताया इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टर्स हैं, क्लरिकल स्टाफ है, और जो लेबर एंगेज किया गया है टाइम ऑफिस एंड स्क्रूटनिंग ऑफ ऑफिस हॉलीडे पेमेंट में, लीव पेमेंट में, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन में, इन सारे स्टाफ को हम डालते हैं इनडायरेक्ट लेबर में। अब आगे आप चले जाइए एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं वो भी अब हम ही देखेंगे। ऑल दोज एक्सपेंसेस विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड अगेन और ऑन ए पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर and hence directly charged to that particular center, they are known as direct expenses. In other words, all expenses other than direct material and direct labor which can be easily specifically incurred on that particular product or kisi job mein, kisi particular department mein, particular cost unit mein incurred kiye hain, other than aap keh sakte hain material and labor, direct material and direct labor, वो सारे एक्सपेंसेस क्या हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जिनको हम इस दोनों में क्लासिफाई कर सकते हैं, उसे हम डालते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसके जो एग्जांपल है मैं आपको बता देती हूँ, रॉयल्टी, एक्साइज ड्यूटी है आपकी, या कोई हायर चार्जेस आप दे रहे हो प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, या कोई स्पेसिफिक पैटर्न के लिए, डिजाइन के लिए कोई इनकर कर रहे हो एक्सपेंसेस, कोई वर्क कैरिंग फॉरवर्ड किया गया है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, और जो है कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए स्पेसिफिक पैटर्न अभी आपको मैंने बताया, कुछ कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और दैट पर्टिकुलर जॉब। ओवरहेड, अब आ गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, विच कैन नॉट बी एलोकेटेड डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट, जो कि आप डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर रही है कॉस्ट सेंटर, उन एक्सपेंसेस को हम इसमें डालते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट है, रेट्स है, इंश्योरेंस है, म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, जनरल मैनेजर की सैलरीज है, कैंटीन एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं, पावर एंड फ्यूल है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज है, लाइटनिंग, हीटिंग, टेलीफोन एक्सपेंसेस विच आर कॉमन फॉर होल फैक्ट्री यू कैन सी, दोज एक्सपेंसेस कम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम देखेंगे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो है वो ओवरहेड्स में आप ले लेते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वेरी इजी, प्रोडक्शन के साथ जो रिलेट करते हैं इसमें आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर सब आ जाएंगे यहाँ पर प्रोडक्शन और वर्क ओवरहेड में। प्रोडक्शन और वर्क ओवरहेड में आप ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ऑफ ए कंसर्न एंड इट कवर्स ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन में आपके जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, फिक्स एसेट के ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, वर्क बिल्डिंग के ऊपर, और जैसे स्टोर्स हैं, फिनिश गुड्स के ऊपर है आपके, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, कोल है, फ्यूल एक्सपेंसेस है, रेंट है, रेट्स है, रेंट एंड टैक्सेस है, लैंड एंड प्रॉपर्टीज है, वर्क ऑफिस प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, एंड वेलफेयर सर्विसेज लाइक कैंटीन एंड रिक्रिएशन, और भी जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो भी सारे प्रोडक्शन और वर्क ओवरहेड में कवर हो जाते हैं। अब आ गया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विच इज कंसर्न विद ऑफिस एक्सपेंसेस। जितने भी ऑफिस में एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके, जो भी अंडरटेकिंग है उसको डायरेक्ट करना है, प्लान करना है, ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, कंट्रोल करना है, मैनेज करना है ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग को विच इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो है इसमें आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है ऑफिस रेंट है, लाइट है, हीट है, और सैलरीज है, वेजेस ऑफ क्लर्क है, सेक्रेटरीज आपने रखा है, समझ लीजिए अकाउंटेड है, क्रेडिट अप्रूवल है, कैश कलेक्शन है, ट्रेजर्स डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस है, जनरल मैनेजर के, डायरेक्टर के, एग्जीक्यूटिव्स के, और फिर लीगल एंड अकाउंटिंग
मशीन सर्विसेज हैं, इन्वेस्टिगेशन है और जितने भी मिसलेनियस फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। आगे है सेलिंग ओवरहेड्स, वेरी 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 कॉमन एंड ईच एंड एवरीबॉडी नोज दैट व्हाट आर द सेलिंग ओवरहेड व्हिच आर कंसर्न विद द मार्केटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बना लिया है तो अब जब तक हम उसको सेल नहीं करेंगे, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी नहीं अपनाएंगे तब तक वो प्रोडक्ट बिकेगा। तो सेल से कंसर्न जितने भी एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने सेल्समैन अपॉइंट किया हुआ है, कोई एजेंसी ली है सेलिंग के लिए, मार्केटिंग एजेंसी, उसके एक्सपेंसेस हैं, आप उसको कोई कमीशन दे रहे हैं आप सेल्समैन को, सेल्समैन की सैलरी, कमीशन, शोरूम एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल, तो आपने बहुत ही अट्रैक्टिव कोई पैकिंग की है तो ये भी जो है इसमें सेलिंग ओवरहेड में आ जाता है। कोई सैंपल दे रहे हैं, कोई फ्री गिफ्ट दे रहे हैं आप, आफ्टर सेल सर्विसेज एक्सपेंसेस हैं, कोई डेमो दे रहे हैं आप फ्री में, टेक्निकल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की जितनी भी कॉस्ट है, कैटलॉग की कॉस्ट है, आपने कोई प्राइस लिस्ट दी है, ये सारी कॉस्ट जो है सेलिंग ओवरहेड में आ जाती है। इसके बाद देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में वो सारे एक्सपेंसेस जो कि बिगिन होते हैं जब आपने पैक प्रोडक्ट कर लिया है, उसके बाद आपने डिस्पैच करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। इट कंप्राइजेज ऑल द एक्सपेंसेस राइट फ्रॉम द टाइम द प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड एंड द प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कस्टमर। तो इस समय जो एक्सपेंसेस आ जाते हैं, वेयर हाउस में आपने रखा है, वेयर हाउस के रेंट है, वेयर हाउस के स्टाफ की सैलरीज है, इंश्योरेंस है, फिर वो सारे एक्सपेंसेस जो डिलीवरी वैन में, ट्रक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन में जो इंकर्ड हो रहे हैं, पैकिंग की आपके बल्क ट्रांसपोर्ट है, जैसे आपने क्रेट्स ली हैं, चेस्ट ली हैं, या कोई लॉस हो रहा है वेयर हाउस स्टॉक में, कोई फिनिश गुड्स का डैमेज हो रहा है कोई ट्रांसिट में, तो ये सारे जो हैं इसमें आते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस हैं जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है। रिसर्च कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग फॉर न्यू एंड इम्प्रूव कॉस्ट, न्यू एप्लीकेशन करनी है आपने मटेरियल की, प्रोडक्ट की न्यू एप्लीकेशन करनी है आपने, इम्प्रूव करने हैं मेथड्स, तो ये सारे रिसर्च एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, जब आपने ऐसी डिसीजन लेनी है, जब आपने न्यू या इम्प्रूव मेथड को अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो आपका आ जाता है डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। और ये सारा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। तो ओवरहेड तो आप ये सारे जो है इनडायरेक्ट हैं आपके, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस जो है वो भी सारे इसमें आ जाते हैं, ओवरहेड में आ जाते हैं। तो ये भी हमने देखा ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट विच मैनेजमेंट शुड नो सो दैट इट कैन कंट्रोल द कॉस्ट। तो आगे हम देखेंगे कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है विच शोज द आउटपुट ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड अलॉन्ग विद ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट शीट एक ऐसी शीट है या एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हमने हर प्रकार की कॉस्ट को इसमें इंक्लूड करना है और ये बताना है कि टोटल जो एक्सपेंडिचर एक प्रोडक्ट में आ रहा है और उसका ब्रेकअप भी पर यूनिट के अनुसार, अगर आप टोटल कॉस्ट यूनिट के साथ डिवाइड कर जाते हैं तो आपका ब्रेकअप भी आ जाएगा हर एक कॉस्ट का, हर एक एक्सपेंसिस का। तो ये हम कॉस्ट शीट में देखेंगे। तो कॉस्ट शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम स्टेटमेंट है और कॉस्ट शीट का मेन एडवांटेज ये कि टोटल कॉस्ट तो आपको बताती बताती है, कॉस्ट पर यूनिट भी बताती है और मैन्युफैक्चरर को ये इनेबल करती है कि वो क्लोज वॉच रख सके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर, लगातार सुपरवाइज कर सके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और इसे कंट्रोल भी कर सके। कंपैरेटिव स्टडी आपकी मिल जाती है, आप वेरियस एलिमेंट्स ऑफ करंट कॉस्ट को पास रिजल्ट के साथ, स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ भी मैच कर सकते हैं एंड इट एक्ट एज ए गाइड टू द मैन्युफैक्चर एंड हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग ए डेफिनेट यूजफुल प्रोडक्टिव प्रोडक्शन पॉलिसी। और ये सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में भी बहुत हेल्प है, मिनिमाइज करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है एंड वी हैव टू रिड्यूस अवर कॉस्ट, वी हैव टू रिड्यूस ऑल द वेस्टेज इन द इन प्रोडक्शन। और ये जो है बिजनेसमैन को हेल्प करती है टू सबमिट कोटेशन, जब आपने कोटेशन सबमिट करनी है तो विद रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से आपने जब आपने कोटेशन सेंड करनी है अगेंस्ट टेंडर फॉरवर्ड फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, उसमें भी कॉस्ट शीट बहुत ही हेल्पफुल है। तो अब हम देखेंगे
एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने आपके सामने डिस्प्ले की है और उसकी हेल्प से हम आगे इसको सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्प्ले किया है जिसमें आपको अलग अलग दिए हुए हैं खर्चे, जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, रॉ मटेरियल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, प्रोडक्टिव वर्कर, नॉन प्रोडक्टिव वर्कर, क्या सैलरी पे की है, क्या कैरीज है, कैरीज ऑन गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, रेंट एंड टैक्सेस और भी जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे आपको इसमें मैंने बताए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यूनिट्स ले लेते हैं, इमेजिन यूनिट्स भी ले सकते हैं और उसके साथ भी हम इसे डिवाइड करके पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है जिसमें मैंने आपको सिंपल आपको खर्चे बताए हैं और वो खर्चे हमने इसमें बताए हैं। यहाँ पर हम रुपीज देंगे, अगर आपको यूनिट्स दी होती जो कि इस प्रॉब्लम में तो नहीं दिया है, तो बस यूनिट्स को आपने इस सब कुछ डिवाइड करना था, यहाँ पर आपका आ जाना था पर यूनिट। बट आई हैव नॉट टेकन यूनिट्स ओवर हियर, इट इज ए सिंपल प्रॉब्लम विच यू शुड नो। नेक्स्ट टाइम वी विल टेक यूनिट्स ऑल्सो एंड वी विल सॉल्व। कॉस्ट शीट में पता होना चाहिए प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं, तो प्राइम कॉस्ट के लिए क्या क्या इंक्लूड करते हैं प्राइम कॉस्ट में, मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस करेंगे, एड कैरीज ऑन परचेसेस करेंगे, उसमें से रिटर्न लेस करेंगे, फिर लेस करेंगे एबनॉर्मल लॉस अगर कोई हुआ है, फिर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रोडक्टिव वेजेस जो है वो हम ऐड करेंगे, डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस भी हम ऐड करेंगे। इसका मतलब प्राइम कॉस्ट का आ जाता है डीएम प्लस डीएल प्लस डीई, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करके आपकी बन जाती है प्राइम कॉस्ट। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम में आपको मटेरियल कंज्यूम में आपको दिए हुए हैं यहाँ पर 25,000, यहाँ पर लिख लेते हैं हम और वहाँ पर आउटर कॉलम में हम डालते हैं। जब यूनिट्स दी होते तो हमने यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट निकालना था। अब हम देखेंगे कैसे आपका आया मटेरियल कंज्यूम्ड, आपको दिए हुए हैं पहली लाइन में देखिए 25,000 और फिर परचेसिंग जो दी हुई है वो है 70,000 ऐड कर दीजिए और उसके बाद आपको कैरीज ऑन परचेसेस दिया हुआ है, कैरीज ऑन परचेसेस 500 रुपये लास्ट लाइन में देख लीजिए आप इसमें दिया हुआ है 500। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे ताकि हम इसमें से क्या कर सकें, लेस कर सकें रिटर्न। इसमें ऐड करके आपका आ जाएगा 95500 और रिटर्न आपको दी हुई है 2,000, तो 2,000 ब्रैकेट में लिख कर इसको आप माइनस कर दीजिए और कितना आ जाता है देखिए आप 00539 93500 आ गया है। इसमें हम लेस करेंगे आपका एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस आपको दिया हुआ है 1200 से लेस कर दीजिए, फिर आपका आ जाएगा 92300। इसके बाद जो आपने बढ़ना है आगे और आपको दिया हुआ है लेस क्लोजिंग स्टॉक प्रॉब्लम में देखिए 18800 मुझे नजर आ गया, 18800 आप माइनस कर दीजिए। अब आपका जो आ जाएगा जो आपकी कॉस्ट आगे आएगी 18800 को लेस करने के बाद वो यहाँ लिख दीजिए 73500 इसको लेस करने के बाद। अब हम ऐड करेंगे प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस प्रॉब्लम में देखिए आपको कितनी दी हुई है 18,000, तो प्रोडक्टिव वेजेस आपको दी हुई है 18,000 और उसके बाद डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस दिए हैं आपको 800। अब हम इसे ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 92300 और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये अब आपकी आ गई है प्राइम कॉस्ट। That means prime cost को पता करने के लिए सबसे पहले material consumed आपने निकाले जो कि आपके आगे थे सारा, करने के बाद 95,000 उसमें से आपने less abnormal loss भी कर दिया, less closing stock भी कर दिया, तो आपके आगे 73500। उसके बाद direct labor, that is productive wages 18,000। इसके बाद कोई भी direct expenses है वो हम add करेंगे 800, तो आपका 92300 आ गया। इसका मतलब prime cost is equal to direct material plus direct labor plus direct expenses, तो आपकी आ जाती है प्राइम कॉस्ट जो कि सबसे पहले आपने निकालनी है कॉस्ट शीट में। उसके बाद जितने भी वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड आपको दिए हुए हैं वो सारे हम ऐड करेंगे ताकि आ जाए हमारी वर्क कॉस्ट। तो हम आगे देखेंगे आपको वर्क ओवरहेड कितने दिए हुए हैं, देखिए आप नॉन प्रोडक्टिव वेजेस मुझे नजर आ रहे हैं 2,000। उसके बाद रेंट, रेंट एंड रेट्स ऑफ वर्कशॉप आपको नजर आएगा 2,500 और फिर आगे बढ़िए फ्यूल
की गैस वगैरह जो रेंट एंड रेट्स ऑफ वर्कशॉप है आपको दिया हुआ, प्रोडक्ट नॉन प्रोडक्टिव वेजेस 2000 है, और उसके बाद रेंट एंड रेट्स कितना आ गया आपका, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस आपके आगे 2000, रेंट एंड रेट्स ऑफ वर्कशॉप आ गया 2500, फ्यूल गैस एंड वाटर आपको दिया हुआ है 1000, और उसके बाद आप चलेंगे रिपेयर्स टू प्लांट्स आपको दिया हुआ है 600, और आगे बढ़िए आप डेप्रिशिएशन ऑफ मशीनरी आपको दी हुई है 1400, तो ये सारा आपको दिया हुआ है वर्क कॉस्ट का, ये टोटल आपका आ जाएगा 7500। अब आप इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 9800 आपके आगे है वर्क कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट के जितने भी वर्किंग ओवर है उसमें ऐड किए आपका आ गया वर्क कॉस्ट 99800। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको मैं रफ कर देती हूँ, तो कॉस्ट से आगे हम लेकर चलेंगे, आपने बिजली की लेकर जाना है यहाँ पर डाउन में, पर मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए इसलिए मैं आगे यहाँ पर लिख रही हूँ। वर्क कॉस्ट आपकी कितनी आ गई है 99800, टू कॉलम्स बना दीजिए, ये आउटर कॉलम रहेगा और सारी एडजस्टमेंट हम इंटरनल कॉलम में करेंगे। तो वर्क कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 99800। अब हम इसमें ऑफिस ओवरहेड जो आपको दिए हुए हैं, ऑफिस ओवरहेड्स वो ऐड करेंगे, जितने भी आपको दिए हुए हैं मुझे नजर आ रहे हैं 5000, तो 5000 आप ऐड कीजिए, और उसके बाद आप आगे बढ़िए, आपको दी हुई है सैलरीज, सैलरीज जो दी हुई है ऑफिस स्टाफ की, वो आपको ऑफिस स्टाफ की सैलरी दी हुई है 1500। ऑफिस ओवरहेड में थोड़ा गलत हो गया, अगर आपको जो सैलरी दी हुई है वो दी हुई है 5000, और फिर आगे बढ़िए आपको ऑफिस एक्सपेंसेस जो है, ऑफिस एक्सपेंसेस आपको क्लियरली प्रॉब्लम में दिए हुए हैं 1500। अब इनको ऐड कीजिए, 6500 आपने यहाँ पर ऐड कर देने हैं, आपकी जो अब आएगी दैट विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब आती है, जब आप वर्क कॉस्ट में जितने भी ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं वो सारे ऐड कर देते हैं, और भी प्रॉब्लम में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस दिए होंगे वो सारे आपने ऐड कर देने हैं, जब आप 6500 वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आप इसे ऐड कीजिए 00853 16 and 10 6300 आपका आंसर आना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सारे आप ऐड कर दीजिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो दिया हुआ है कैरियर्स ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, कैरियर्स ऑन गुड्स सोल्ड, देखिए आपको कितना दिया हुआ है, आपकी प्रॉब्लम में दिया हुआ है 1500, और आगे चलिए आप, आपको दिया हुआ है एडवर्टाइजिंग, एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है 1200, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पर 2700 आ जाएगा, इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर जो आना चाहिए 7 3 10 6 8 plus 9 19 and then 10 ये आपका आ रहा है 109000, ये आपका क्या आ गया है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब देखिए अगर आप इसमें हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस, दैट मींस कॉस्ट शीट से हमें अलग अलग जितना भी आपका प्राइम कॉस्ट है, आपकी वर्क कॉस्ट है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, सभी के बारे में पता चल जाता है, और इसी टोटल अमाउंट को अगर हमें यहाँ यूनिट्स दी होती तो हम इन टोटल अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कर देते तो आपका आ जाना था कॉस्ट पर यूनिट। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम आगे बहुत सारे चैप्टर्स करेंगे, बहुत ये कॉस्ट शीट जो है बहुत सारे चैप्टर में यूज होने वाली है, प्रोसेस कॉस्टिंग में देखिए आप यूज होगी, ऑपरेशन कॉस्टिंग में यूज होगी, तब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं। ये तो एक सिंपल प्रॉब्लम थी ताकि आपको फॉर्मेट जो है कॉस्ट शीट का समझ में आ जाए, तो होप आपको ये जरूर पता चला होगा कॉस्ट शीट कहते किसको है और कॉस्ट शीट तैयार कैसे की जाती है। तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने व्यूज जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। इस बार मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया, वो असाइनमेंट करने की जरूर ट्राई करें ताकि आप जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में आगे मेरे साथ बढ़ सकें। तो ऐसे ही मेरे साथ बढ़ने रहिए, मैं पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस